जिसमें लाल अपमान रहे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम की तरफ से हाफिज अब्दुलरहमान साहब को पेशावर में वेलकम करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके ये कोर्स यहाँ पे कंडक्ट किया। जनाब जुल्फिकार भट्ट साहब सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन एंड ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ फोर्सेस ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन। सारा दीदी को आप सब जानते हैं, हमारे पास स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब साकिब साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी वकास है, एक यहाँ भी इसी महफिल में मेरी एक भाजी कह लें कि रवासी कह लें, बहुत दूर का रिश्ता है, बहरहाल ये वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पहले तो मुझे ये बताया जाए कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट लेवल 1, 2, 3 एंड 4। ये ग्रेडिंग जो है, ये इंटरनेशनल जो कोचेज होते हैं मुख्तलिफ गेम में, उसी हिसाब से ग्रेडिंग होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल 1? इसमें सर ऐसा होता है कि जो लेवल 1 के आर्चर्स हैं उनको बेसिक लेवल पर ट्रेन किया जाता है। जो कोचेस हैं वो 10-15-20 मीटर तक बिगिनियर लेवल पे कोचेस को प्लेयर्स को ट्रेन करेंगे। उनमें इक्विपमेंट डीलिंग नहीं आती, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि आर्चरी है, इसका ऐसे शूट करवाना है, इसकी बेसिक स्टेप्स ये है। जब हम लेवल 2 की तरफ जाते हैं वहाँ पर इक्विपमेंट डीलिंग आती है, लेवल 3 के अंदर प्लानिंग्स आती है, लेवल 4 के अंदर नेशनल हेड टीम कोच होता है, वो पूरे एक सिलेबस तैयार करके देता है कोचेस को और आर्चर्स का, जिनको वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म एथलीट बनाता है, जो नेशनल आपका ग्रास रूट से शुरू होकर इलीट लेवल तक जाता है। ये इस तरह ये लेवल इनके कंप्लीट होते हैं। अभी जो हमारा रिसेंटली चल रहा है ये टेक्निकल लेवल 1 वर्कशॉप है, इसके अंदर इनको जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि इक्विपमेंट क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी जो एक्सपर्टीज़ है ये नेक्स्ट ऑफ द जो कोर्सेज है उसके अंदर आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स की सर्कल में यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक गलत फहमी हो गई। बिल्कुल, ये थोड़ी देर की बात करें, 5 मिनट, वो ये कि मैं प्रेसिडेंट था खैबर पख्तूनख्वा आर्चरी एसोसिएशन, तो एसोसिएशन को छोड़ दिया है इस प्रेसिडेंट, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर शाह कोई आर्चरी से खफा हो गया। ऐसी बात नहीं है, आखिर शाह हर चीज़ में खफा हो सकता है, मगर स्पोर्ट्स के मामले में किसी खफा नहीं हो सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मेरे जिस्म में खून बह रहा है, इसी तरीके से मेरे जिस्म में स्पोर्ट्स बहता है। मैं तो एक जिंदगी होगी कि स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता हूँ, जब तक जिंदा स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता रहूँगा। इसमें एक टेक्निकल बात हमारे सामने आ गई और रहा, वो ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का एक रूल है कि आप जिस फेडरेशन में होंगे अपने सूबे में, उसी एसोसिएशन में आप रह सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो मैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन, अब आपको पता है कि जैसे आर्चरी की बड़ी गेम है, रेसलिंग भी पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ी गेम है। तो यहाँ बैठे हमने सलाह की, जिसमें जिन्हें भी थे, बाकी हमारे दोस्त थे, वाकिफ थे सारे, उन्होंने, उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसलिए हूँ बाय वर्च्यू ऑफ माय बीइंग चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन। ये टेक्निकल बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस कनेक्शन से मैं बना, तो आर्चरी मैंने छोड़ी, मगर आर्चरी बेहतर हाथों में। अब यहाँ पर जुल्फिकार भट्ट जो है वो पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के सेक्रेटरी है, तो जाहिर है कि जिस वक्त आप करीब इलेक्शन होगा आर्चरी में, तो ये आर्चरी में आएंगे। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है खैबर पख्तूनख्वा स्नूकर एसोसिएशन, मगर चूंकि स्नूकर नॉन ओलंपिक गेम है,
और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड नहीं है तो ये बॉय लॉ वहाँ पर लागू नहीं होता। अर्जे के जो जो गेम्स पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड है उन गेम्स में आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप एक ही गेम में रहेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने महसूस किया कि एक साहब ने चार चार टोपियाँ पहनी हुई है तो ताकि नए लोग सामने आए तो उसकी वजह से ये बात की है। अब आर्चरी का ये जो आपका टेक्निकल वर्कशॉप है और ये भी एजाज खैबर को शुरू हुआ कर जो पेशावर को आपसे हुआ कि पहला कोर्स यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसके साथ तो ये कि आपने जो टेक्निकल एजुकेशन दे दी तो जो सिलसिला दुनिया में पाकिस्तान में उससे उल्टा है। बाहर से आप एक कोच मंगवाते हैं और जैसे कि यहाँ पर पार्क साहब ने बताया कि वो उसका इतना खर्चा होता है तो ये गलत तरीका है। दिस इज लाइक पुटिंग दी कार्ड बिफोर द हॉर्स वाली बात होना ये चाहिए। जो मैंने कई दफा अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में ये बात कही कि बाहर लोग जाए और वो कोचिंग के ऊपर कोचिंग दे। ए कोच शुड बी ट्रेन। तो यहाँ पर अगर इस किस्म का कोर्स हो जहाँ से बैच आ जाए कोई और कोचेस को ट्रेन करे तो वो कोच आगे जाके फिर कोचिंग कर सके। मेरा पॉइंट समझे आप? तो इस तरीके से सस्ता भी होगा, आसान तरीके पर होगा। सारी दुनिया में ये तरीका, खास तौर पे इंडिया में। इंडिया अपने रूप से कई कोचेस बाहर भेजते हैं जो कोचिंग के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कोच। अब आप ये देखें कि हमारे सूबे में जो छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, मतलब ये कि स्कूल टू कॉलेज और कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, इस लेवल के ऊपर वो आर्चरी करती हैं, बच्चे भी बच्चियां भी। मगर प्लेयर जो है, प्लेयर इस उम्र पे दरियाफ्त होता क्योंकि किसी प्लेयर को दरियाफ्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी बच्चे की तरह से बॉल फेंकें तो जिस तरीके से उसको कैच करेगा उसके पीछे भागेगा, आप समझ जाएंगे कि इस बच्चे में जरासीम है स्पोर्ट्स का। अब जाहिर है मुझे पता नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए शायद आपको वो फर्क हो तो, क्योंकि ये वो तो मैं नहीं चला सकता, एक दो मैंने कोशिश की मैं उसको पूरा खींच भी नहीं सका। तो इससे पहले कि मैं और बात करूं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और सारा के लिए, वो ये कि लेट्स हैव अ टैलेंट हंट। आपने पहले भी किया होगा मगर टैलेंट हंट आर्चरी में जरा साइंटिफिक तरीके से करना है और मुख्तलिफ स्कूल्स को इन्वॉल्व करके उनके दरमियान हम कम्पिटिशन कराए। आज आपने पति अखबार में आया कि मगर मेरे पास एक क्लिप आया, एक 8 साल का बच्चा जो कि स्नूकर की टेबल तक भी नहीं पहुंच सकता था, अपने से बड़े उम्र के बच्चों से वो कल स्नूकर के कम अज कम 3 फ्रेम को जीता। अब इसके ऊपर भी मैं व्हाट्सएप को कहूँगा कि वो बच्चे के साथ मुझे मिलाया जाए, उसके पेरेंट्स के साथ मुझे मिलाया मिलाया जाए। मैं अपने तौर के ऊपर हुकूमत से नहीं, हम हुकूमत की तरफ देखते भी नहीं हैं, न देखने की ज़रूरत है, मायूसी होती है। खुद से अगर कर सकें तो एक बच्चे को अगर मैंने इनक्रेज करना है कि उसके लिए क्यों का बंदोबस्त किया जाए, उसके लिए जो स्नूकर का अपना एक प्रोटोकॉल है उसके ड्रेस उसको बनाया जाए और वो ड्रेस, चूँकि बच्चे पढ़ते बड़ी तेज़ी से हैं और कल को रक्का चैम्पियन बन सकता है, तो वी शुड अरेंज फॉर हिज ट्रेनिंग, हिज यूनिफॉर्म एंड हिज क्यूज। उसको क्यूज दिए जाए, क्यों कहते हैं स्टिक को जिससे आप स्नूकर खेलते हैं, तो उस बच्चे से भी मुलाकात करूँगा। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात करूंगा और हम
अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम पहले ग्रीन्स होटल था, अब डेस्टिनेशन हेरिटेज ग्रीन्स के नाम के ऊपर आप देखेंगे कि सदर रोड पे बहुत जल्द एक बहुत बड़ा होटल इंशाल्लाह ताला उसकी ओपनिंग होगी। उनकी तरफ से हम स्पॉन्सर कराएंगे एक टैलेंट हंट आर्चरी टूर्नामेंट जिसको हमारा इदारा स्पॉन्सर करेगा। मैं उनके साथ बात करूंगा, वो दिस इज अ बिग बिग कंपनी है जो आपको जो कराची से वाकफ है, तो कराची में एक बहुत बड़ा ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है जिसके अंदर आर्चरी भी होती है। मैंने देखा उसमें मुख्तलिफ गेम्स होती हैं पे जाके जो बच्चे बच्चियाँ आपने आखिर में जो सिलेक्ट कर लेंगे आप उसका फॉर्मेट इनको पता है। बट बेसिकली वी विल टेक फोर लिटल गर्ल्स एंड फोर लिटल बॉयज एंड टेक देम टू कलाम एंड दे कैन स्पेंड अ हॉलीडे विद मी एट माई ओन हाउस एंड वहाँ पर जगह भी है जहाँ पर हम आर्चरी का कंपटीशन कराएंगे। तो इसको आप अनाउंस कर दें बेशक ऑफिशियली एंड इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय नाम आप लिख रहे हैं सारा, इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय डेस्टिनेशन हेरिटेज ग्रीन्स होटल सदर रोड इशारा। और उधर जब आप जाएंगे तो एक और कंपनी के साथ हम काम करते हैं जिसमें जो गुलाम का मार होटल है वो भी बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, रूमी का नाम सुना होगा आप होटल्स में, तो वहाँ पर जो खर्चा होगा वो उसको देर करेंगे तो शायद हमें कोलेबरेट करके दोनों की तरफ से कराएं। बट एनी हाउ उसकी बात बात नहीं होगी। बट आई ऑफिशियली अनाउंस होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट